को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी मोमिनीन के इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ तशरीफ ला चुकी है। अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ तशरीफ ला चुकी है। अंजुमन गुंचे अब्बासिया के फौरन बाद अंजुमन शमे हुसैनी मीर मस्त और उसके बाद अंजुमन कौसरिया रिजवी खां के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहे। आप हजरात के सामने हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी। हजरात 11 साल के बाद फिर आपके सामने अंजुमन गुंचे अब्बासिया रूबरू है और हम लोग अपनी अंजुमन इससे पहले नवाखवानी उसी नजनी करे तो उसके चंद अशार पढ़ते हैं। सवेरा 7:30 बज चुका है और बाहर की अंजुमन को सुनने के लिए जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि फ़र्शे अदा पर तशरीफ लें। मैं एक मतलब और दो शेर से अर्शी भाई सुने कि खबर पैगंबर आली वक़ार देता है, खबर पैगंबर आली वक़ार देता है, हुसैन बिगड़े मुकद्दर सवार देता है, हुसैन बिगड़े मुकद्दर सवार देता है, खबर पैगंबर आली वक़ार देता है, हुसैन बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। और ये शेर मैं जहाँ जहाँ हजरात हैं खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह कि ज़रा अली के फजाइल को छेड़ कर देखो, ज़रा अली के फजाइल के छेड़ कर देखो, बड़े बड़ों के चेहरे उतार देता है, बड़े बड़ों के चेहरे उतार देता है, ज़रा अली के फजाइल को छेड़ कर देखो, बड़े बड़ों के चेहरे उतार देता है, बड़े बड़ों के चेहरे उतार देता है, ज़रा अली के फजाइल को छेड़ कर देखो, बड़े बड़ों के चेहरे उतार देता है। और ये शेर तमामी अदादार और जो इस शब्बेदारी को ऑर्गनाइज करते हैं मुन्ना भाई और तहसीन भाई, तो ये शेर मैं उनके हवाले कर रहा हूँ और तमामी हजरात के कि लुटाए जाइए नामे हुसैन पर दौलत, लुटाए जाइए नामे हुसैन पर दौलत, बढ़ा के और भी परवरदिगार देता है, लुटाए जाइए नामे हुसैन पर दौलत, लुटाए जाइए नामे हुसैन पर दौलत, बढ़ा के और भी परवरदिगार देता है, बढ़ा के और भी परवरदिगार देता है। हजरात अंजुमन की मशहूर और मारूफ ये मखसूस सदा अब्बास का परचम ऊंचा है। मुलाजा फरमाएगा हजरात आज से 10 साल पहले जब ये अंजुमन आई थी तब भी मौला अब्बास के हवाले से हमने एक सदा पेश की थी साए में अलम क्या हो, और वो आज तक जौनपुर के समातों पर वो है गुनगुना रहे। इंशाल्लाह ये सदा भी आप लोग याद रखेंगे अब्बास का परचम ऊंचा है। मुलाजा फरमाएगा हजरात का परचम ऊंचा है।
इस्लाम पे सिका साया है आपका। क्या कहने क्या कहने अंजुमन गुच्छे अब्बासिया बारबंकी है अब्बासी का परचम ऊंचा है इस्लाम पे सिका साया है आपका। एक खास मुलाजा फरमाए हजरत सुने हजरत घटा है साए में जहरा की दुआ है साए में अब कर वो बला है साए में कौन है पे ये लहराता है आपास का परचम ऊंचा है आपास का परचम। एक एक पन मुलाजा फरमाए हजरा क्या कहने वाह सुने हजरात अब्बास अब्बास बिस्मिल्लाह ये अहले अज़ा के कांधे ऊपर मातम की सदा मजबूती से अब तक ठहरा है अब्बास परचम ऊंचा है अब्बास का। यह परचम है हजरत अब्बास है जो हम सब के ईमान की सलामती है। मुलाजा फरमाए हजरत चला है अब्बास अब्बास ईमान है पहचान यही है अहले वफा की शान यही सच्चाई की है शान यही है अशिकों की मीजान यही हर दौर में जालिम सहमा है आपास का परचम ऊंचा है मखसूस होता था ईमान ईमान की है पहचान यही है अहले वफा की शान यही सच्चाई की है शान यही है अशिकों की मीजान यही हर दौर में जालिम सहमा है सुने हजरात मखसूस होता अंजुमन गुंचे अब्बासी हजरात जाब हजरात है वाला अब्बास बच्चों हजरात हे अब्बास अब्बास सुने हजरात उम्मीद हरम है वाबस्ता शब्बीर का गम है वाबस्ता खालिक का करम है शम है वाबस्ता जहरा की दुआ का पहरा है अब्बास का परचम ऊंचा है अब्बास। हजरात ये बात बतौर खास ये आलम हमें मिला कैसे है मुलाजा फरमाएगा हजरात है अब्बास अब्बास बतौर खास मुलाजा ये परचम हजरत अब्बास कैसे मिला जैनब ने सजा
तवज्जो चाहिए हजरात की, जहां जहां भी सुनो। बीबी फातिमा जहरा की दुआ है, मुलाजा फरमाएंगे हजरत। सुने हजरत जहां पे सुनेंगे खास मसरूफ मातम है अंजुमन कुछ है जहरा की दुआ कहते हैं इसे खालिक की अता कहते हैं इसे हम खुदा कुशा कहते की दवा कहते हैं इसे हर आंख को अच्छा लगता क्या बात है वाह परचम मसरूफ मातम है अंजुमन गुंचे बासिया बाराबंकी। इसके फौरन बाद अंजुमन शमे हुसैनी मीर मस्त जौनपुर की मुलाकात से गुजारिश है कि वो तैयार रहे। रशीद साहब बड़ा गांव जौनपुर का ये कलाम हमारे अंजुमन पढ़ रही है 25 सालों से। है सुर्ख लहू से ये जो सहर मारा गया प्यासा दी का कमर आता नहीं शह को कुछ भी नजर मुट्ठी में है फिर भी शामो सहर दरियाओं पे सिका कब्जा है हजरत अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन 2011 में ये लोग यहां तशरीफ लाए थे तकरीबन 11 साल के बाद। अंजुमन ने बेहतरीन सदा बेहतरीन सलाम और अच्छा नवा बारगाह सैयदुश्शोहदा में पेश किया था। हमारे जौनपुर के जो मोमिनीन हैं उन्होंने हक़ मेज़बानी भी अदा किया। मैंने इससे पहले की भी अंजुमन में ये बात कही है और इसमें भी ये बात कह रहा हूँ
सिलसिले की अंजुमन है। अगर किसी अंजुमन का वक्त 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आता है, 8 बजे तक भी, इवन अगर 8 बजे भी तक आता है, तो ये अंजुमन का कसूर नहीं है। मोमिनीन बिस्तरों पे सोते रहें या जो मौजूद हैं वो इधर उधर की गुफ्तगू करते रहें, ये सज़ा अंजुमन को नहीं देनी चाहिए। बल्कि अगर आपने बुलाया है अंजुमन को तो उसका इस्तकबाल कीजिए। मैं बारहा ये बात कहता हूँ, और जौनपुर की जो तहजीब है, मैं जब तक मैं हूँ इस माइक पर मैं उसे पामाल होने नहीं दूँगा। जो तरीक़ा है, जो सेवा है यहाँ का, मेहमानों का इस्तकबाल करने का, वो बरकरार रहना चाहिए। मैं फिर उन लोगों से गुजारिश करूं कि जो लोग इस शब्बेदारी को देखने के गरज से बाहर खड़े हुए हैं, अगर इमाम बारगाह में आ जाएं और अंजुमन सलाम पेश करें तो कम से कम अंजुमन की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आइए, जो लोग मेरे बाईं जानिब खड़े हैं, अगर शेर समझ में आता है तो अंदर आ जाइए, नहीं समझ में आता वहीं खड़े रहिए। ये सामने जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आप लोग अंजुमन की हौसला अफजाई के लिए, जो लोग हमारे वतन के वतन अजीज़ के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अंजुमन सलाम पेश करने जा रही है, उसके इस्तकबाल के लिए आप लोग कम से कम यहाँ पर अंदर तशरीफ़ लें ताकि अंजुमन सलाम पेश कर सकें। गुंचे अब्बासिया के साहिब ब्याज जनाब क़दर इमाम साहब मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब सहर अर्शी जौनपुरी का कलाम पेश करने जा रहे हैं तरह के ऊपर, तो ज़रा सा सलाम सुनने के लिए आमादा हो जाइए। भैया सुनो, तुम लोग भी अंजुमन अब्बासिया से मुतालिक़ हो, जनाब अब्बास के हवाले से सदा भी पेश की गई, उसमें परचम का भी जिक्र था, जनाब अब्बास के हवाले से बहुत सारी बातें थी, तो मुझे भी इफ्तिखार आरिफ के दो शेर याद आ गए। मैं सोच रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल कर दूँ, इसलिए कि वो ऐसे मिसरे हैं जो खामोश लबों को जुम्बिश देने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए मैं उन मिसरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बनामे तशना लबी तशना लब नहीं होते, 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 हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, तशना लब नहीं होते, बनामे तशना लबी तशना लब नहीं होते, बनामे तशना लबी तशना लब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, बनामे तशना लबी तशना लब नहीं होते। कशिश भाई, मिसरों का इस्तेमाल कर दिया मैंने, बनामे तशना लबी तशना लब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लकब नहीं होते। तशना लब नहीं होते। बोलने वालों का शुक्रिया, जिन लोगों ने सलाम का माहौल बनाया है, शब्बेदारी को एक मिजाज दिया है, इस सोए हुए माहौल को जगाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बनामे तशना लबी तशना, अरे शेर सुनिए आखिरी, क्या लहजा है इफ्तिखार आरिफ का, आखिरी शेर सुनिए। भैया आप लोग ये अंजुमन जो अंजुमन गुंचा है बासिया है बाराबंकी की, ये लोग वहाँ अपने यहाँ बाराबंकी में बहुत अच्छा एक जश्न करते हैं अब्बास डे के उन्वान से, न जाने कितने शेर सुन चुके हो भैया तुम लोग सब लोग अब्बास डे में। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ इफ्तिखार आरिफ का, कि बनामत आखिरी शेर, बनामत तशना लबी तशना लब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लकब नहीं होते, कि वो दोनों हाथ जमानत में रख गया वरना,
इमाम साहब, वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना जमीन पे कौन से कहर गजब नहीं होते। वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना जीते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। हैदरी, मुझे हुक्म है, जीते रहिए, जीते रहिए। जीते रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। मिलके बोलिए सारे, और बुलंद आवाज में, या बास, शेर है ना। शुएब साहब का हुक्म है, मैं एक बार फिर पढ़ दूँ। आप माशाल्लाह समाते बहुत बेदार समाते हैं इस वक्त की। कमर इमाम साहब, आप सलाम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर अच्छे शेर पे भरपूर दाद मिलेगी। बना में तश्न लबी तश्न लब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लकब नहीं होते, पैगंबरों के भी इतने लकब नहीं होते। वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना शेर की नहज है। कभी कभी ऐसे शेर सुनने के बाद और पढ़ने के बाद ना दिल की कैफियत जो है वो काबू में नहीं रहती। मैं फिर पढ़ रहा हूँ। बना में तश्न लबी तश्न लब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, हज़ार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों के भी इतने लकब नहीं होते। वो दोनों हाथ जमानत में रख गया, वरना ज़मीन पे कौन से कहर गज़ब नहीं होते, ज़मीन पे कौन से कहर गज़ब नहीं होते। थोड़ा सा माहौल संजीदा हो गया और आंखों में आंसू आ गया, तो ज़रा सा हम इसे चाहते ये हैं कि इसी मौजू पे बरकरार रहते हुए, हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि इतना वक्त भी नहीं है, लेकिन ज़रा सा चूँकि एक माहौल काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गया और हमको सलाम सुनना है, सलाम में वाहवाही है, सलाम में अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं, जब वो फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ तो हमारे मुँह से बर्जस्ता सुभान अल्लाह और बर्जस्ता दाद व तहसीन की आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि ज़िक्र अहले बैत है। तो मैं इस संजीदा माहौल को जनाब अब्बासी के हवाले से मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि अब्बास तश्नलब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास तश्नलब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, अब्बास तश्नलब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, रोबे जलाले हजरत जाफ़र का नाम है, अब्बास तश्नलब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है, अब्बास वो एक तश्नलब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, रोबे जलाले। भैया तारीख की रोशनी में आखिरी दो मिसरे बैत की शक्ल में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर तारीख से हट के हो तो पूरा मजमा जो मुझे देख रहा है वो सब खामोश रहे, लेकिन अगर तारीख के हवाले से है तो मैं एक एक फर्द से इन मिसरों की दाद चाहूँगा। बैत पेश करने जा रहा हूँ, अब्बास तश्न लब के मुकद्दर का नाम है, अब्बास सिर्फ वफा के समंदर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, रोबे जलाले हजरत जाफर का नाम है, कि जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं। अल्लाह
जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। एक माहौल बन गया सलाम का, मैं मुतमईन हो गया इस माहौल से। मैं गुजारिश करूं अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी मातम हुसैन हज़रात, ये तरही कलाम या रब हुसैनियों को ज़ैनब का हौसला दे। मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अभी आप मुसलसल तरही कलाम समाअत फरमा रहे हैं, आप सब के ख़ुसूसी तवज्जो का तालिब हों, इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। के हक में मालिक ये फैसला दे अहले अंजुमन गुंचे अब्बासिया बरबंकी एक अज़ाज़ार को क्या चाहिए हज़रात, सुने तमाम अहले अज़ा के हवाले से क्या अच्छा मिलता है। अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे अहले या रब हुसैनियों को ज़ैनब का हौसला दे। सुनिए हज़रात, इंशाल्लाह महज़ूर होंगे। अहले अज़ा के हक में मालिक ये अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे अहले मिस्रे सानी मुलाहिज़ा फरमाएंगे हज़रात, इंशाअल्लाह महज़ूर होंगे। तसव्वुर सुनिए हज़रात, खाने को दे तबर्रुक रहने को करबला में। सुनिए हजरात, बतौर खा जहाँ हजरात हैं इंशाल्लाह मैं सुनूंगे। खाने को दे तबर्रुक रहने को करबला दे अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे अहले अज़ा के अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे अहले सुने अज़ा जाना भी अहले अज़ा के हक में ज़ैनब अली की बेटी जिस कौम को दुआ दे उसने मतलब सुने आजाद इंशाल्लाह मैं चलूंगा। ज़ैनब अली की बेटी जिस कौम को दुआ दे सुने सानी मिश्रा फिर किस में है ये जुर्रत उस कौम को मिटा दे जनाब सहर अजी साहब का कलाम हज़रत सुना बतौर खास उसमें मतलब फिर से मतलब जुड़े हज़रत ज़ैनब अली की बेटी जिस कौम को दुआ दे सुने हज़रत जिस कौम को दुआ दे बीबी ज़ैनब अली की बेटी जिस कौम को दुआ दे ज़ैनब अली की फिर किस में है ये जुर्रत उस कौम को मिटा दे और हजरात यहाँ से एक एक शेर मुलाहिज़ा फरमाइए हजरात एक एक शेर हजरात शेर बतौर खास इंशाअल्लाह मैं सुनूंगे। सुने बैसाखिया भी उसको कांधा न दे सकेंगे साखिया भी उसको कांधा न दे सकेंगी सुना
हजरत, कौन है वो? अपनी नजर से जिसको मौला मेरा गिरा दे, अहले अज़ा के बैसाखिया भी उसको कांधा न दे सकेंगी। सुने हजरत, बैसाखियां भी उसको, बैसाखियां भी उसको कांधा न दे सकेंगी। सानी मिश्रा आजाद, अपनी नजर से जिसको मौला मेरा गिरा दे, अहले जब बीमार को शिफा ना मिले तो कहाँ जाना चाहिए? मुलाजा फरमाएंगे। सुने हजरात, तमाम मोमिन सुने हजरात, बीमार को शिफा जब हासिल ना हो दवा से, बीमार को शिफा जब हासिल ना हो दवा से, बीमार को शिफा जब हासिल ना हो दवा से, बीमार को शिफा। मिसरा सानी मुलाजा फरमाएंगे हजरात, अब्बासी के अलम की ला कर उसे हवा दे। सुनिए हजरत, बीमार को शिफा जब हासिल ना हो दवा से, अब्बासी के अलम की ला कर उसे हवा दे। हजरत, इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहिए। जहाँ आशी भाई बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएगा, एक पैगाम दे रहा हूँ। सुने हजरत, जहाँ भी है, नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है, सुनिएगा हजरात, खासतौर से हजरात, नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है, क्या करना चाहिए? सुनिए हजरात, बच्चों को मेरे यार अब मुख्तार अब बना दे। सुनिए हजरात, सुनिए हजरात, क्या जवाब? सुनिए हजरात, नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है, नस्ले बनी। सुनिएगा शताब भाई, नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है। सुनिए हजरात, नुस्खा क्या है? बच्चों को मेरे यार अब मुख्तार अब बना दे। खुसूसी तवज्जो चाहिए शाम पर भी हजरत, सुनेंगे हजरत, शम्मे अज़ाए सरवर हर सिमत जल रही है। सुनिएगा हजरत, शम्मे अज़ाए सरवर हर सिमत जल रही है। सानी मिश्रा हजरत सुने, तूफान में जो दम हो आकर इसे बुझा दे, अहले हजरत। इस शेर के जरिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, मौला इमाम हुसैन की मंजिलत क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे, अहले। सुनिएगा हजरात, खास तौर हजरात, अहले अज़ा के हक में, सुनिए हजरात,
इस कायनात हक में तन्हा हुसैन है वो, इस तन्हा है हुसैन। सुनिए हजरत, इस कायनात हक में तन्हा हुसैन है वो। सुनिए हजरत, हदीस के ज़ेल में शेर इज्जत के साथ जीना दुनिया को जो सिखा दे अहल, और हजरात ये तस्बीन मुलाजा फरमाइएगा, आपने बहुत लेट से सुनी होगी लेकिन ये तस्बीन भी सुनिएगा। के हक में मालिक ये फैसला दे यारब हुसैनियों को ज़ैनब का हौसला दे, तस्बीह मुलाजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह आज़ा किसी लायक। सुनो ज़रा, शियत शियत के दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है शी। सुनिए हज़रात, जा भी हैं शियत के दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, या रब हुसैनियों को ज़ैनब का हौसला दे अहल, शियत के दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। सुने हजरत, हालात हजरा हजरात उसके ज़ेल में, शियत के दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, या रब हुसैनियों को ज़ैनब का हौसला दे अहल, दे अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे। सुनिए हज़रात, बतौर हक हुर की तरह से आना, हुर की तरह से जाना। सुनिए हज़रात, ये फर्शे अज़ा में कैसे आना है मुलाज़ा हज़रात, हुर की तरह से आना, हुर की तरह से जाना। सुनिए आज़ाद, एक पैगाम है, आने की फरिशे गम पर तौफीक गर खुदा दे अहल, इसकी मिसाल पूरी दुनिया न ला सकेगी, सुनिए हजरत, इसकी मिसाल पूरी दुनिया न ला सकेगी। सुनिए हजरत, गर्दन पे तीर खा कर बच्चा जो मुस्कुरा दे, जनाबे जनाब के हवाले से, खुतबों में तेरे ज़ैनब पिनहा है वो इरादा, खुतबों में तेरे। सुनिए जरा बतौर खास, खुतबों में तेरे ज़ैनब पिनहा है वो इरादा, क्या इरादा है जनाब साहब, बातिल के हौसलों को जंजीर जो पिना दे अहल, इसकी मिसाल
सुने हजरत फरमाते इसकी मिसाल तवज्जो इसकी मिसाल पूरी दुनिया न ला सकेगी। सुने हजरत जहां जाए बेसरात है सुनिएगा ऐसा चाह इसकी मिसाल पूरी दुनिया न ला सकेगी। सुनिए हजरत गर्दन पे तीर खा कर बच्चा जो मुस्कुरा दे जनाबे कासिम के हवाले से शेर आपने बहुत ही नए से सुना होगा लेकिन एक शेर ये भी मुलाजा फरमाएगा हजरत कासिम के जैसा कोई पैदा हुआ ना बता कासिम के जैसा। सुनिए जरा बतौर खास काफी के दा चाहता हूँ जरा सुने कासिम के जैसा कोई पैदा हुआ ना बता कासिम के जैसा कोई। सुनिए जरा अहले अज़ा के हक में मालिक ये फैसला दे। और आज ये फर्श अज़ा जो बिछी हुई है सिर्फ जनाब ज़ैनब का कमाल है। मुलाजा फरमाएंगे हज़रात ये मिसरा भी उन्हीं के हवाले से है। सुनिए हज़रात तवज्जो जावे तबलीग राहे हक से रोके तबलीग राहे हक से रोकेगा कौन उसको। सानी मिश्रा जालिम के खसर में जो फरिशे अज़ा बिछा दे। ऐसा करीम आका दुनिया में अब ना होगा ऐसा। सुनिए हजरा दलील क्या है बहुत ही खुश नसीब। ऐसा करीम आका दुनिया में अब ना होगा ऐसा। सुनिए हजरा खंजर की जद पे भी मसाए पे ऐसा करीम आका दुनिया में अब ना होगा। सुने हजरात इसकी मिसाल नहीं ला पाएगा कोई भी जान। सुने हजरात ऐसा करीम आका दुनिया में अब ना नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है। सुने हजरात नस्ले बनी उमैया फिर सर उठा रही है। जवाब क्या है साहब के दो तीन अहले अज़ा के
हक में मालिक ये फैसला दे। आजाद मसाहब पे चलना चाहता हूं, मसाहब पे ये फैसला दे। सुनिएगा आजाद, इंशाल्लाह मसाहब होंगे। फरियाद कर रही थी राहों में तशनगी भी। सुनिए आजाद, क्या क्या मसाह में करबला में। फरियाद कर रही थी राहों में तशनगी भी। क्या फरियाद हजरत। कौसर के वारिसों को पानी कोई पिला दे। बेकसी जनाबे ज़ैनब की देखेगा इस शहजादी अरब के शानों मेरी सीमा है। सुनिए हजरात, क्या क्या मसाइल। मलिकतुल अरब की बेटी शहजादी कौन है और उनकी बेटी का शहजादी। शहजादी अरब के शानों मेरी सीमा है। सुनिए हजरात, शहजादी अरब के शानों मेरी सीमा है। दरिया पे कोई जाकर अब्बास को बता दे। सुनिए राधे भी मसाइब का शेर। उम्मे रुबाब रो कर फरियाद कर रही है। क्या फरियाद करती है हजरात। उम्मे रुबाब रो कर फरियाद कर रही है। गोदियां उजड़ गई हजरात करबला में। सुने हजरात, तमाम माए बहनें सुने। मकतल में सो रहा है असगर कोई जगा दे। मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हजरात, जहाँ जहाँ भी मक्ता हजरात। मिसले अनीसो दे बिल अपने सहर को या रब। सुनिए हजरात, मिसले अनीसो दे बिल अपने सहर को यारा। मक्ता हजरात, मिसले अनीसो दे बिल अपने सहर को यारा। सुनिए हजरात मक्ता। अशियार वो अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी मसरूफ मातम है। इसके बाद मकामी अंजुमन अंजुमन शम्मे हुसैनी मीर मस्त, उसके बाद अंजुमन कौसरिया रिजवी खां, और अंजुमन कौसरिया के बाद अंजुमन शमशीर हैदरी सदर अम्बाड़ा। मसरूफ इबारत है अंजुमन गुंचे अब्बासिया बाराबंकी। हजरात कमेटी की जानिब से हमारी अंजुमन को जनाब सकीना के ताबूत उठाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियां ऐसी थी कि हम इस साल जनाब सकीना का ताबूत उठाने से महरूम हुए, हम नहीं वादा ले सके। लेकिन जनाब सकीना को पुरसा इस नोहे के ज़रिए पेश करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हजरात हैं, तसव्वुर के साथ सुनिएगा कि वो मंज़र है